पिंड पैदल तुरिया जावा फसल वेच के लखां दी पाड़ा कोल नहीं सी करदा किवें सवारी पसां इस विरोध दा समर्थन करता किसान वीरां दी हर मंग जायज़ है जो कुछ कर रहे ने मजबूरी च कर रहे ने मैं उन्होंने दुख दे विच पूरी तरह शरीक हाँ इहदे च तीन चीज़ां ने सब तो वड्डियां कोई भी कीमत अगर वधदी है तो वह पेट्रोल ते डीजल दियां प्राइसिस दे नाल वधदी है डीजल 6 रुपये तो 70 हो गया तो किसान की फसल की MSP 5 गुणा वधी है वह 12 गुणा ये 5 गुणा 1992 दे विच 330 रुपये क्विंटल कणक सी 270 रुपये क्विंटल चावल सी और डीजल की कीमत 6 रुपये से अज 70 हो गई और झोने की कीमत 1500 रुपये तो कणक की क्विंटल की कीमत 1800 है इहदा मतलब जिथे MSP 12 गुणा वधनी चाहिए सी MSP वधी है 5 गुणा तो डीजल दी कीमतां वध गईं 12 गुणा ये बड़ा मंदभाग है 2% पंजाब के लोग 70% हिंदुस्तानियों का पेट भर दे रहे हैं अन्नदाता भुखा भिखारी बना के खड़ा करता इन्हां लोगों ने खुदकुशियां कर रहे हैं मजबूरी दे विच किसान मिर्चा की कोई MSP नहीं आलू 2 रुपये का विकदा है खेचों तो 20 रुपये विकदा आलू का चिप्स यदा मतलब 16 रुपये मिडलमैन कमा रहे ये विचोलिया पासे करके किसान डायरैक्ट वेचण की वो देनी चाहिए है मोदी सरकार ने कहा सी स्वामीनाथन रिपोर्ट इन टोटैलिटी असी लागू करांगे किसान की इनकम डबल करांगे कर्जे चढ़े हुए ने दाम दूपत लागू होना चाहिए कि अगर किसान 1 लाख रुपया कर्जा लवे तो 2 लाख तो वध मोड़ूगा नहीं मैं यह जे इंस्टेंस देखे है कि 97,000 ट्रैक्टर के उत्ते कर्जा लिया 10 सालों के 20 लाख खड़ा है इंट्रस्ट की कंपाउंडिंग हो रही है आम बैंकों तक पहुँच नहीं सकता आड़ती वीर चैक के नाल उन्हें पेमेंट नहीं देंगे हर पेमेंट उसकी चैक की होनी चाहिए ताकि उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके किसान की जड़ी बदहाली है उन्होंने अगर खुशहाली दे विच कन्वर्ट करना है तो कल्ले कर्जे माफ़ नहीं कर्जा ना चढ़े उदे उत्ते बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा तुसी दुध की कीमत देख लो दुध की कीमत भी जदों पेट्रोल 16 रुपये हुंदा सी दुध 20 हुंदा सी अज पेट्रोल 85 रुपये है तो दुध 40 रुपये वो भी मिलती नहीं उन्होंने तो क्यों नहीं किसान विरोध करूँगा मैं उन्होंने विरोध का समर्थन करना मैनू जिथे मर्जी और मैं सरकारों तो उठ के कह रहा जिथे मर्जी आमंत्रित करन किसान वीर जिथे मर्जी कहन मैं उत्थे उन्होंने नाल नाल चलूँगा और इस विरोध के पूरी तरह शरीक होकर चलूँगा देखिए सबसिडी की गल एक सिंपल जी है कि जदों कच्चे तेल की कीमत 150 रुपये $150 सी कच्चे तेल की कीमत $150 सी उदों सरदार मनमोहन सिंह ने 80 रुपये तो उत्ते तेल नहीं जाना तो अज कच्चे तेल की कीमत $70 है तो फिर मैं एक गल दसो फिर तेल अद्धा क्यों नहीं होया देखो ना जदों तो तेल की कीमत वधदी है कच्चे तेल की इंटरनेशनली तो ये कीमत वधा दिंदे आ तो जदों कच्चे तेल की कीमत घटती है तो उदों आम आदमी को तो फायदा क्यों नहीं दिंदी सरकार पाकिस्तान दे विच अज पेट्रोल की कीमत 51 रुपये है तो साढ़े इत्थे 85 रुपये 38 रुपये का पेट्रोल है उत्ते 42 रुपये टैक्स है सरकारां भंवरे वांग हुंदियां ने फुल्लां तो रस भी लैंदियां ने फुल भी खुश तो भंवरा भी खुश ये तो जोंकां बन गए गां दे थनां नूं चमेड़ दे उत्थों भी खून चूसणगे ये लोकां नूं मतलब मार रही है इन्हां दी नीति सरकार दी नीति ये भंबल भूसे दूसरी गल आखिरी चीज़ जी मैं कहना चाहना कि वन नेशन वन टैक्स यदा मतलब की है यदा मतलब यह है कि एक पूरे देश के दे एक टैक्स होगा तो GST जो तुम लाता तो तेल तो डीजल GST तो बहर क्यों रखे ये पैराडॉक्स है
ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ GST ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 56 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ, 56 ਰੁਪਈਏ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਉਹ 18% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 50 ਰੁਪਈਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। GST ਅਗਰ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ GST ਕਾਊਂਸਲ 'ਚ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ GST ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਨਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਯੋਰ ਜੀ ਮੈਮ, ਰੀਲੀ ਓਬਲਾਈਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਭਾਈ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਭਾਈ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭਾਈ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, LMC ਮੈਂਬਰ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ TV, ਪਟਿਆਲਾ TV ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ TV।